रहमान रहीम। आज मैं चाय के साथ जो खाने वाला केक बना रही हूँ, प्लेन केक। तो बेकिंग तो मैं करती रहती हूँ, मगर चैनल पे मैंने अभी तक बेकिंग का कुछ बनाया नहीं है। तो सबसे पहले आज मैं फर्स्ट टाइम है ना मेरे चैनल के लिए मैं केक बेक कर रही हूँ। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। चार अदद अंडे हैं ये, और 2 कप ये है इसका। इससे मैंने ये फ्लावर मैंने इससे मेजरमेंट की है। तो 2 कप चीनी है ये, जिसमें 1½ में डालूंगी चीनी, और 2 कप के करीब ये फ्लावर है, मैदा है ये, और ये है 1½ ये बटर है। मैंने इसको रूम टेम्परेचर किया है। तो अब इसमें सबसे पहले मैं जो ऐड करूंगी, मैं बनाना शुरू करूंगी। तो इसमें मैंने सबसे पहले मैंने बटर ऐड करना है। बिस्मिल्लाह, सबसे पहले मैंने इसमें बटर ऐड किया है। और 2 मिनट के लिए मैं बटर इसमें ना बीट करूंगी। ये देखिए अच्छा उसमें आ गया है। तो अब इसके बाद मैंने जो दूसरा स्टेप है वो है शुगर। एक ये कप है और हाफ वो है, तो 1½ मैंने से दो दो कप मैदा है, तो 1½ मैंने इसके अंदर शुगर पाउडर लिया है। मैंने खुद इसको मिक्सी में किया है, ये शुगर है मेरे पास। तो अब मैं इसके अंदर ये ना शुगर में करती हूँ। तो मैंने 5 मिनट कर लिया। पहले मैंने बटर डाला था, फिर हाफ 1 कप मैंने शुगर पाउडर डाला था, पर हाफ और डालती हूँ इसके अंदर है ना मैं। तो शुगर और वो बटर मैंने इसमें वो बीट कर लिया है, ये अच्छे से हो गया है। तो अब मैंने 1 बाय 1 एग एग इसमें डालने हैं, मिक्स करने हैं। तो पहले मैं सबसे पहले अभी ये पहला जो अंडा है, फर्स्ट जो है वो मैं इसमें डालती हूँ। बिस्मिल्लाह, दूसरा अंडा इसमें। डालना है इसको बीट करना है। वनीला एसेंस लिया है। बस लास्ट में जो जाएगा ये मैदा और बेकिंग पाउडर है, तो मैंने इसको छान के थोड़ा सा, क्योंकि छान के एक जान हो जाता है, ये अलग अलग इसमें गुठलियाँ नहीं रहती, तो मैं इसको छान के इसमें मिक्स करती हूँ। ये जो 2 कप मैंने मैदा और 1 स्पून जो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर लिया है, ये इसमें मैं इसको ज़्यादा नहीं करना है, मैंने इसको बीट नहीं करना। And then beat it and keep adding. And do it again. Just like that. रही हूँ, क्योंकि इसमें इसका जो है ये पैन है, इसके अंदर मैंने पहले इसको सबसे पहले ऑयल से इसको ग्रीस करना है, थोड़े थोड़े ऑयल से है ना, क्योंकि फिर इसके ऊपर मैंने बटर वो लगाना है, बटर पेपर लगाना है। अगर ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं, इसको ऑयल से ज़रूर आपने करना है। तो इसमें पैन में डालूंगी। बिस्मिल्लाह,
प्लेन केक ये मैंने ये जो टी के साथ खाने वाला है बिल्कुल सिंपल केक है, इसमें कोई नट्स वगैरह नहीं है। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये केक मेरा बेक हुआ है। और देखें आप इधर से भी देखें माशाल्लाह। तो ये देखिए फ्लाफी, और ये अब मैं इसको कटिंग करती हूँ, देखती हूँ। लेट्स कट द केक। माशाल्लाह ये देखिए, लेट्स टेस्ट। वाओ अच्छा, दैट्स डिलीशियस।